आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, यहां पे कंटिन्यूटी का एक प्रॉब्लम दिया है, हम उसको सॉल्व करेंगे। दिया है कि लेट एफ बी द फंक्शन डिफाइंड बाय, यहां पे एफ एक्स का एक कंपाउंड फंक्शन दिया है कि एक्स स्क्वायर माइनस फोर होल बाई एक्स माइनस टू व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू टू एंड व्हेन एक्स इक्वल टू टू द वैल्यू इज वन। तो हमें चेक करना है कि एफ डिफाइंड है, कॉन्टिन्यूस है और डिसकॉन्टिन्यूस है या फिर डिफाइनशियबल है, और किस पॉइंट पे, एक्स इक्वल टू टू पॉइंट पे। तो हमें एक्चुअली एक्स इक्वल टू पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी चेक करके इसको स्टार्ट करेंगे। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम देख रहे थे कि कॉन्टिन्यूस कब होता है फंक्शन। तो हमारा दिया है फंक्शन है एफ एक्स और हमें यहाँ पर चेक करनी है फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी एक्स इक्वल टू टू पॉइंट पे। तो तीन वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए। पहला वैल्यूज है लिमिट एक्स टेंस टू टू प्लस एफ एक्स, दूसरी वैल्यू है हमें एफ ऑफ टू इज इक्वल टू को हटा देते हैं, और दूसरा वैल्यू है एफ ऑफ टू, और तीसरा वैल्यू है लिमिट एक्स टेंस टू टू माइनस एफ एक्स। इन तीनों का वैल्यूज अगर इक्वल हो गया तो हम बोल सकते हैं कि जो फंक्शन दिया हुआ था एफ एक्स वो एक्स इक्वल टू टू पॉइंट पे कॉन्टिन्यूस होगा। यहाँ पे टू प्लस और टू माइनस का मतलब क्या है? टू प्लस का मतलब है टू के राइट साइड से, मतलब छोटा, मतलब टू से बड़ा होगा बट वेरी क्लोज नंबर, और टू माइनस क्या मतलब है टू से छोटा नंबर बट वेरी क्लोज टू टू। तो इन दोनों का लिमिटिंग वैल्यू और एफ ऑफ टू का वैल्यू, ये सब इक्वल हो गया तो कॉन्टिन्यूस होगा। तो हम इसको चेक करने के लिए पहले टू प्लस को लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं एक्स नॉट इक्वल टू टू होने पे, मतलब जब टू प्लस और टू माइनस होगा तब तो वैल्यू टू के साथ इक्वल नहीं होगा। तो टू के साथ इक्वल नहीं होने पे फंक्शन हम ये लेंगे, और टू के साथ इक्वल हो गया तो फंक्शन का वैल्यू वन होगा। तो मतलब एफ ऑफ टू का वैल्यू हमें क्या मिलेगा? वन मिलेगा। तो यहाँ पर पहले लिख लेते हैं कि एफ ऑफ टू का वैल्यू हमें वन मिल गया है। हमें बस चेक करना है लिमिट एक्स टेंस टू टू इस वैल्यू पे एफ ऑफ दोनों, एफ ऑफ एक्स का टू प्लस और टू माइनस पे फंक्शन ये होगा, तो इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या हो रहा है? तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर बाई एक्स माइनस टू, एक्स टेंस टू टू पे हमें लिमिटिंग वैल्यू चाहिए। तो ऊपर के जो न्यूमरेटर है इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ब्रेक कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर, फोर को हम क्या लिख सकते हैं? टू स्क्वायर। तो इसको ब्रेक करेंगे तो ऊपर क्या आएगा? लिमिट एक्स टेंस टू टू, ऊपर ब्रेक करने से एक्स प्लस टू मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस टू, और नीचे तो ऑलरेडी एक्स माइनस टू था, तो इन दोनों को क्रॉस कर रहे हैं एक्स माइनस टू को। क्यों क्रॉस कर पा रहा है? क्योंकि एक्स टेंस टू टू है, मतलब एक्स टेंस टू टू मतलब एक्स नॉट इक्वल टू टू, इसका मतलब एक्स माइनस टू नॉट इक्वल टू जीरो। क्योंकि ये जीरो नहीं है इसलिए क्रॉस कर पा रहा है। तो हमें वैल्यू क्या आ गया? लिमिट एक्स टेंस टू टू एक्स प्लस टू, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? टू प्लस टू, वैल्यू आ गया फोर। हमें यहाँ पर एफ ऑफ टू मिला था वन, यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू टू प्लस और टू माइनस के लिए मिला फोर, तो दोनों तो इक्वल नहीं है, तो मतलब ये कॉन्टिन्यूस नहीं होगा टू पे वैल्यू पे। अगर इक्वल होता तो हम बोलते कि कॉन्टिन्यूस है, नहीं हुआ इसलिए डिसकॉन्टिन्यूस होगा। देख सकते हैं सी पे हमें दिया है एफ इज डिसकॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू टू, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन सी हो गया। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, आईआईटी, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।